कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान पड़े समुद्र से, जहाँ पर एक बोट होती है। उस बोट में एक कपल होता है जो शायद अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए गया होता है। फिर कुछ टाइम बाद समुद्र में एक बड़ी सी लहर आती है, जिससे बोट टकराकर एक सुनसान आइलैंड की तरफ चली जाती है। फिर वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को परेशान करने के लिए आइलैंड के अंदर की तरफ चली जाती है। उस आइलैंड में काफ़ी भटकने के बाद वह एक सुनसान पड़े लेबोरेटरी के पास जाती है, जहाँ पर उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई है। थोड़ी देर बाद वह भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी उस पर कोई हमला कर देता है और उसकी दो उंगलियों को खा जाता है। वह लड़की अभी भी भागने की कोशिश करती है, पर कोई इसे खींचकर लेकर चला जाता है और वह लड़की वहीं पर मारी जाती है। उस लड़की की आवाज़ को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड जंगल की ओर चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हवा में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि 5 लोग और हैं जो उसी आइलैंड पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। उन 5 लोगों में से 2 सगे भाई होते हैं, जिनके अंकल का इस आइलैंड पे घर होता है, और उनके मरने के बाद अब वो घर उन 2 भाइयों को मिल जाता है। इसलिए ये 2 भाई अपने फ्रेंड्स के साथ उस आइलैंड पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं। उन 2 भाइयों में से एक भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ होता है। फिर सारे उस आइलैंड पर पहुंचकर अपनी छुट्टियां मनाने लगते हैं। फिर वो दोनों भाई अपने गैराज में जाते हैं, जहाँ पर एक खटारा कार होती है। फिर कुछ टाइम बाद वे सारे आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी झाड़ियों के पीछे से कुछ हिलने की आवाज़ आती है। उन 5 में से एक लड़की उस झाड़ी के करीब जाकर देखती है, तो उस झाड़ी से एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा निकल कर आता है। वह लड़की उस पपी को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर रात के टाइम सारे खाना खा रहे होते हैं, तो उन 5 में से एक लड़का किचन से कुछ सामान लाने के लिए जाता है, जिसके पीछे पीछे वह कुत्ते का बच्चा भी चला जाता है। किचन में वह लड़का उस पपी से बोलता है कि उसे वह पसंद नहीं है। तभी वह पप्पी उसे लड़के को घूरने लगता है और वह कुत्ते का बच्चा उस घर से भाग जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत बुरा लगता है जो उसे लेकर आई होती है। फिर उन 2 भाइयों में से एक भाई और वह लड़की रात में उस पप्पी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर वह दूसरा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि जब उसके अंकल इस घर में रह रहे थे, तो वे बहुत सारे कुत्ते पालकर रखे हुए थे, जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन उन कुत्तों में से कुत्ते को रेबीज हो गया और वह रेबीज एक कुत्ते से सारे कुत्तों में फैल गया, जिसकी वजह से उनके अंकल को उन सारे कुत्तों को मारना पड़ा। और इधर वह लड़की और वह लड़का कुत्तों को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वह पप्पी एक झाड़ी में बैठा हुआ मिलता है, जिसको पकड़ने के लिए वह लड़की जैसे ही आगे बढ़ती है, झाड़ी के पीछे से एक बड़ा सा कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे वह काट लेता है। कैसे भी करके वह लड़का उसे बचाकर घर ले जाता है। अब सारे बस यही सोच रहे होते हैं कि शायद उस पप्पी की माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए उस पर हमला किया होगा, पर उस दूसरे भाई को डर रहता है कि उसे कहीं रेबीज ना हो जाए। फिर अगले दिन वो एक शिकार पर जाने की सोचते हैं, जिसमें से 3 लड़के शिकार पर जाते हैं और वो 2 लड़कियां घर पर ही रहने का फैसला करती हैं। सारा कुछ अब तक ठीक चल रहा होता है, तभी उन 3 लड़कों में से एक लड़का अपनी कैमरा ठीक करते करते पीछे ही रह जाता है और वो 2 लड़के शिकार करते करते काफ़ी आगे चले जाते हैं। तभी उस तीसरे लड़के के पीछे किसी की जाने की आवाज़ आती है। फिर काफ़ी इधर उधर देखने के बाद उसे कुत्ता दिखाई देता है। उस कुत्ते को देखकर वह लड़का भागना शुरू कर देता है। फिर एक साथ बहुत सारे कुत्ते उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह लड़का भागते भागते गिर जाता है। तभी वो दोनों भाई भी उसके पास आ जाते हैं। वह लड़का उन दोनों भाइयों से बताता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुत्ते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है जो उन्हें बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर रहो। तभी उस आदमी पर बहुत सारे कुत्ते हमला कर देते हैं और वो उस आदमी को वहीं पर मार डालते हैं। यह आदमी वही होता है जिसकी गर्लफ्रेंड को कोई मार दिया होता है। फिर अब ये 3 लड़के घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और उधर वो 2 लड़कियां नदी में तैर रही होती हैं। कैसे भी करके वे सारे घर के अंदर पहुंच जाते हैं, पर इस बीच उसकी भाई की गर्लफ्रेंड की पैर में एक दूसरा भाई तीर मार देता है। वो कुत्तों पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर गलती से उसके पैर पर लग जाता है। घर के अंदर आने के बाद सारे प्लान बनाते हैं कि कैसे भी करके उन्हें इस आइलैंड को छोड़ना है। फिर वे प्लान बनाते हैं कि गैराज में एक कार है, अगर वो कार तक पहुंच गए तो उन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उनकी जहाज की रस्सी को कुत्तों ने पहले ही काट दिया होता है, जिससे उनकी नाव कहीं और चली जाती है। अब उनके पास आखिरी होप बस वो कार होती है। उन दोनों भाइयों में से एक भाई छत पर जाने के लिए घर से गैराज तक जाने के लिए एक रस्सी का जुगाड़ करता है। वहाँ जैसे ही उस रस्सी पर लटक कर गैराज तक जाने की कोशिश करता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है और बोलती है कि यह रस्सी तुम्हारा वजन नहीं झेल पाएगी, मुझे जाने दो, मैंने इसे पहले भी कर रखा है। उसका बॉयफ्रेंड तैयार हो जाता है। फिर वह लड़की जैसे ही उस रस्सी पर लटकती है, चारों तरफ से बहुत सारे कुत्ते आने लगते हैं। वह कैसे भी करके उस गैराज तक पहुंच जाती है और नीचे जाकर कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, पर वह कार स्टार्ट होने का नाम नहीं लेता।
और उधर बहुत सारे कुत्ते दरवाजा तोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह लड़की जैसे तैसे करके गैराज की छत पर पहुंच जाती है, जहां एक लड़का रस्सी फेंकता है और उस रस्सी की मदद से घर तक पहुंच जाती है। घर के अंदर आकर सोचते हैं कि जो रास्ता बचा था वो भी खत्म हो गया है। इसी बीच लाइट चली जाती है। फिर उन तीन लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि उसे पता है कि फ्यूज कैसे ठीक करना है। वह लड़का उस फ्यूज को ठीक करने के लिए बेसमेंट में बने कमरे की तरफ जाता है, जहां पर फ्यूज की बोर्ड लगी हुई होती है। वह फ्यूज ठीक करने के बाद वापस आ ही रहा होता है, तभी उसे एक वाइन की बोतल मिलती है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह उस वाइन की बोतल को लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद ही वहां पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। वो दोनों भाई भी वहां पर आ जाते हैं, पर उनमें से एक भाई उसे बचाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं। तब तक वे सारे कुत्ते मिलकर उस लड़के को मार दिए होते हैं। अब ये दोनों भाई वहां का दरवाजा किसी का सपोर्ट लेकर बंद कर देते हैं, ताकि वे कुत्ते घर के अंदर ना आ सके। अब उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि उनका एक फ्रेंड उस दुनिया में नहीं रहा। फिर अगली सुबह दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके वहां गैराज तक पहुंच जाना है। और अगली सुबह वो दोनों भाई गैराज में चले भी जाते हैं, क्योंकि अभी बाहर कुत्ते नहीं दिखाई देते हैं। गैराज में से वे कार लेकर आते हैं। उनमें से एक भाई कार को धक्का देता है ताकि कार स्टार्ट हो सके। काफी कोशिश करने के बाद कार स्टार्ट हो जाती है और वे उस कार को घर की तरफ ले आते हैं, ताकि बाकी की दो लड़की उनके साथ आ सकें। जब वे घर आते हैं तो उनमें से एक लड़की उनके साथ आने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह नहीं बचेगी। इसी बीच उनमें से एक भाई उसे लेने के लिए जाता है, पर अब तक घर को चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया होता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह लड़की नहीं मानती है उनके साथ आने के लिए, और इसी बीच वह कुत्तों के झड़प में मारी जाती है। दूसरा भाई कार में बैठकर अपनी जान बचा लेता है। फिर वे दोनों भाई सोचते हैं कि पास की जो लेबोरेटरी है, वहाँ पर कोई ना कोई रेडियो सिग्नल भेजने के लिए कोई चीज़ जरूर मिल जाएगी, जिसकी मदद से वे बच सकेंगे। वे सीधे ही उस लेबोरेटरी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक रेडियो मिल तो जाता है, पर उसको ऑपरेट करने के लिए पावर नहीं होता है। उनमें से एक भाई बाहर लगे सोलर पैनल को देख लेता है। उसको लगता है कि अगर सोलर पैनल है तो कहीं ना कहीं उसकी बैटरी भी होगी। उस टाइम बाद वो लोग बैटरी को ढूंढ लेते हैं, पर अब मोबाइल में सिग्नल नहीं आता है। फिर उस लड़की को बाहर एक कंटीना टावर दिखता है, जहाँ पर एक वायर बाहर निकली हुई दिखाई देती है। दूसरा भाई तुरंत तैयार हो जाता है उस वायर को ठीक करने के लिए, और वो बाहर जाकर टावर पर चढ़ जाता है और उस वायर को ठीक कर देता है। इसी बीच उसे नदी किनारे लगी एक बोट दिखाई देती है, और इधर लेबोरेटरी में पावर आ जाती है। पर वह जैसे ही पावर ऑन करते हैं, लेबोरेटरी में एक जोरदार विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से वह दूसरा भाई जो टावर पर चढ़ा होता है, वहाँ बिजली की शॉक की वजह से नीचे गिर जाता है। इसी बीच वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं, वे सारे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही उसका भाई भी वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, पर वो दोनों कुत्तों के बीच ही फंस जाते हैं। उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड कार से कुत्तों को ठोकती हुई वहाँ पर आ जाती है, और वे उस कार की मदद से बोट तक पहुँच जाते हैं और बोट से उस आइलैंड को छोड़ देते हैं। पर सबसे बड़ी सस्पेंस यह है कि उस बोट पर एक कुत्ता अभी भी मौजूद होता है। अब वो तीनों कुत्तों को मारेंगे या वो तीनों उस कुत्ते के द्वारा मारे जाएंगे, यह नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।